क्या आपको मालूम है कि पंजाब के अंदर हर 10 में से एक सरदार क्रिश्चियन बन चुका है और अभी भी ये कन्वर्जन वहाँ जोरों से चल रहा है। साथ ही पंजाब के कुछ जिलों में ये आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ चुका है। अब वैसे तो हमारे देश के अंदर हर किसी को अपनी रिलीजन चूज करने का हक है, लेकिन ये लोग गरीबों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, जिनमें से सबसे पहला है डिस्क्रिमिनेशन। हाँ, एक्चुअली सिख कम्युनिटी के अंदर भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, जिसकी वजह से लोअर कास्ट वालों को कई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि लोअर कास्ट के लोगों को गुरुद्वारे के अंदर जाना भी अलाउ नहीं होता है, उनके लिए अलग से गुरुद्वारे बनाए जाते हैं और इसीलिए ये लोग इस चीज का फायदा उठाते हैं और उन्हें ये कहते हैं कि आपके धर्म के अंदर आपके साथ भेदभाव हो रहा है और अगर आप क्रिश्चियनिटी के अंदर कन्वर्ट हो गए तो आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा और आपको इक्वली ट्रीट करा जाएगा। और दूसरा तरीका है लालच, जहां इन लोगों को पैसों का या फिर घर का लालच देते हैं या फिर ये कई बार आपको आपके सालों पुरानी बीमारी को ठीक करने का भी लालच देंगे, जिसकी वजह से कोई भी गरीब और मजबूर परिवार इनके झांसे में आ जाता है और क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इसकी वजह से लोग कई बार अपनी जिंदगी खराब कर लेते हैं और अपनी जान भी गंवा देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन लोगों के पास इतना पैसा आता कहां से है। एक्चुअली इसका सिंपल सा आंसर है यूरोपियन कंट्री, जो कि एनजीओ के जरिए डोनेशन के रूप में इन ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग करती है। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं है बल्कि और भी कई कंट्रीज के अंदर चल रहा है और हमें चाहिए कि हम सिख लोगों में इस अवेयरनेस को फैलाएं और या फिर आप वेट करें कि कब सरकार इस पर कोई एक्शन लेगी। वेल, अगर आपको इस वीडियो कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर दो।